बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आखरत का सौदा चाहते हो तो दरवेश की खिदमत करना सीखो। वो शख्स कमीना है जो अल्लाह ताला के किसी दोस्त की दोस्ती से इनकार करे। वो अमल जो कही हुई बात के मुताबिक ना हो, वो अमल मुनाफ़क़त पर मबनी होता है। मारफत-ए-इलाही उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक सात समुंदर पार ना किए जाए, वो भी आग के। खुदा का खौफ ही खुदा तक पहुंचाता है और खुदा की बेखौफी उससे दूर करती है। जब अल्लाह ताला किसी से छुप जाता है तो उसको कोई दलील और हुज्जत हदायत नहीं करती। सबसे ज्यादा खसारे में वो है जो अफाल बद में जिंदगी बसर करता है। ताज्जुब है कि इंसान आग और कांटों के बीज बोए और उम्मीद ये रखे कि फूल खिलेंगे। जिसकी आंखें जमाल खुदावंदी से मनवर हो जाती हैं, उसके नूर से तमाम दुनिया की आंखें मनवर हो जाती हैं। अगर इंसान कोशिश करे तो वो मेहनत शाका से मंजिल को बासानी पा लेता है। अल्लाह ताला रोज़े मैशर आरफीन को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा। जो गम खुदा से दूर कर दे, उससे वो गुनाह बेहतर है जो खुदा का मोहताज कर दे। अल्लाह की वो इबादत जो मोहब्बत में डूब कर की जाए, उस इबादत से बेहतर है जो बग़ैर मेहनत के 70 साल की जाए। ख्वाहिश एक ऐसा ईंधन है जिसका काम जलाना है, और ये जब तक अपने मालिक को जलाना दे उस वक्त तक सर्द नहीं होती। क़यामत में दरवेशी की कदर होगी और तवंगरी की नाकदरी। वली की खास निशानी ये है कि वो मुनाफ़क़त और रियाकारी से हमेशा दूर रहेगा। अल्लाह ताला से मुतालिक नेक गुमान रखना तमाम नेकियों से अफजल है। जो शख्स दुनिया से इबरत हासिल नहीं करता, उसके लिए दुनिया में ज़रा बराबर भी कोई इबरत नहीं। बग़ैर सोचे समझे बात मत करो, वरना बाद में पछताओगे। जब बंदा अल्लाह ताला से डरने लगता है तो तमाम औज़ा इबादत के लिए तैयार हो जाते हैं।